भाजपा की यूपी में ब्राह्मणों को साधने की तैयारी। आज जेपी नड्डा से मिलेगी भाजपा की 16 सदस्यीय ब्राह्मण समिति। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बनाई है टीम। यूपी के बड़े ब्राह्मण चेहरों को मिली जिम्मेदारी। भाजपा के जन विश्वास यात्रा का आज नौवां दिन। प्रतापगढ़ और सीतापुर में यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी। प्रतापगढ़ में कांग्रेस के गढ़ रामपुर खास में करेंगे जनसभा। जीएसटी इंटेलिजेंस ने इतर व्यापारी पीयूष जैन को किया गिरफ्तार। चौथे दिन भी लगातार जारी है इनकम टैक्स की कार्रवाई। अब तक बरामद हो चुकी है 257 करोड़ की नकदी और सोना चांदी। आज कोर्ट में होगी पेशी। विधानसभा चुनाव पर बन रहा है ओमिक्रॉन का खतरा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ आज चुनाव आयोग की अहम बैठक। ओमिक्रॉन के खतरे और चुनाव को लेकर मंथन होगा। आज पिथौरागढ़ को सीएम भामी देंगे सौगात। गंगोली हाट में करेंगे कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कालिका मंदिर में दर्शन के बाद जनसभा को करेंगे संबोधित। रविवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पदाधिकारियों की लगाई पाठशाला। गढ़वाल के 41 सीटों के पदाधिकारियों के साथ किया मंथन। 2022 चुनाव को लेकर दिया गुरु मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी का करेंगे दौरा। 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पनबिजली परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की अध्यक्षता भी करेंगे। हल्द्वानी में 30 दिसंबर को होने वाली पीएम मोदी की रैली को लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक तैयारियों का लेंगे जायजा। संगठन के सीनियर पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। आज सितारगंज और नानकमत्ता का दौरा करेंगे हरीश रावत। नानकमत्ता में राय सिख और थारू समाज के लोगों से करेंगे संवाद। तो सितारगंज के गोठा गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के उत्पीड़न के विरोध में करेंगे विरोध प्रदर्शन। शामली में आज आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा। संजय सिंह तिरंगा यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। आप दफ्तर से होगी तिरंगा यात्रा की शुरुआत। गोंडा की मनकापुर विधानसभा में आज बसपा की जनसभा। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा जनसभा को करेंगे संबोधित। लखनऊ में सीएम आवास पर आज मनाया जाएगा साहिबजादा दिवस। मुख्यमंत्री आवास पर आज गुरबानी कीर्तन होगा आयोजित। सीएम योगी के साथ सरकार के अन्य मंत्री भी होंगे शामिल। जालौन में गृह मंत्री अमित शाह का अखिलेश यादव पर वार। सत्ता में आकर अखिलेश रुकवाना चाहते हैं राम मंदिर का निर्माण कार्य। चाहे जितना लगा लो जोर बनकर रहेगा राम मंदिर। भाजपा के जन विश्वास यात्रा को संबोधित करते हुए मोदीनगर विधायक मंजू सिवाच के पति डॉक्टर देवेंद्र सिवाच के बिगड़े बोल। लोगों से कहा विधायक को फूलन देवी बनाकर क्या विधानसभा में गोलियां चलवा दें। 23 दिसंबर को आयोजित सपा रालोद की संयुक्त जनसभा में सपा के पूर्व विधायक जमीर उल्लाह को जयंत चौधरी ने दिया था धक्का। एआईएमआईएम ने अलीगढ़ में नारे लगाकर घटना के विरोध में किया प्रदर्शन। गाजियाबाद में जनविश्वास यात्रा के दौरान हुआ हंगामा। विधायक सुनील शर्मा का विरोध करने पहुंचे बीजेपी के पार्षद तेजपाल राणा के साथ पार्षद सचिन डागर ने की मारपीट। विधायक सुनील शर्मा के करीबी माने जाते हैं सचिन डागर। पहाड़ों में बर्फबारी से बढ़ी ठंड। बद्रीनाथ धाम समेत चमोली जिले में औली में भी पड़ी बर्फ। बर्फबारी की तस्वीरें आई सामने। कासगंज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में चंदन गुप्ता के समर्थकों ने किया हंगामा जमकर की नारेबाजी। चंदन गुप्ता की 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा निकालते वक्त एक समुदाय के लोगों ने गोली मार करके थी हत्या। हंगामा कर रहे लोग चंदन को शहीद का दर्जा देने की कर रहे थे मांग। शहर में चंदन चौक बनवाने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी मांग की गई। बरेली में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के कार्यक्रम में आपस में भिड़े महिलाएं। मेयर डॉक्टर उमेश
गौतम ने मामला करवाया शांत। संजय कम्युनिटी हॉल में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंची थी महिलाएं। कोरोना को लेकर नहीं बरती गई सावधानी। आगरा में आरएसएस कार्यालय पर हमला हुआ। शराब पीने से मना करने पर भड़के दबंगों ने आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने लोहा मंदिर थाने का किया घेराव। अयोध्या में चुनावी रैली के दौरान बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने अयोध्या मंडल की 3 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। कहा, सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी बसपा। प्रदेश में सरकार बनाने में अयोध्या मंडल का सबसे बड़ा योगदान होगा। बलरामपुर में भाजपा नेता की गुंडागर्दी। भाजपा मंडल महामंत्री ने दलित रोजगार सेवक को न सिर्फ गोलियां मारी थी बल्कि रोजगार सेवक को दौड़ा दौड़ा कर बुरी तरीके से पीटा। सरकारी काम भी बंद करवा दिए। पिटाई में रोजगार सेवक को आई गंभीर चोटें। पिटाई के बाद रोजगार सेवकों ने आक्रोश दिखाया। वहीं घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। गाजियाबाद में सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने मोदी नगर में भरी हुंकार। कश्यप समाज के सम्मेलन में भाजपा सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा, भाजपा सबसे बड़ी झूठी पार्टी। हरदोई में सपा नेता और पूर्व मंत्री मनोज पांडे का भाजपा पर निशाना। का झूठ बोलने में भाजपा को PhD। अपराधों में उत्तर प्रदेश नंबर 1। और चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। यूपी में 15 से 18 की उम्र वाले 1.4 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगेगी, ये बड़ी खबर मिल रही है। 3 जनवरी से शुरू होना है 15 से 18 साल वालों का वैक्सीनेशन और 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। 1.87 करोड़ लोगों को प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं और 15 से 18 उम्र के 1.4 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 3 जनवरी से वैक्सीन लगेगी इन तमाम लोगों को और 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को 10 जनवरी से लगेगी प्रिकॉशन डोज। सरकार इन्हें सुरक्षित करने की कोशिश में है क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा ऐलान किया था जिस पर 3 जनवरी से काम शुरू होगा। यूपी में 15 से 18 की उम्र के 1.4 करोड़ लोगों को लगेगी वैक्सीन। 3 जनवरी से शुरू होगा 15 से 18 साल वालों का वैक्सीनेशन। 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को 10 जनवरी से लगेगी बूस्टर डोज। झांसी में मैराथन दौड़ में पुरस्कार को लेकर बवाल। लड़की हूं लड़ सकती हूं स्लोगन के आधार पर हो रही थी मैराथन। गुस्साई लड़कियों ने किया हंगामा। अब पथराव भी किया। कहा, मैराथन जीतने वालों को नहीं दिए गए दावे के मुताबिक पुरस्कार। लखनऊ में वन विभाग की लापरवाही हुई उजागर। तेंदुए की दहाड़ सुनकर वन विभाग के कर्मचारी जाल छोड़कर भागे। तेंदुए ने फोटोग्राफर पर किया हमला। रिहायशी इलाके में लगातार घूम रहे तेंदुए से दहशत का माहौल। लखनऊ में बीच सड़क महिला पर उसके पति ने साथी के साथ मिलकर चाकू से किया जानलेवा हमला। गंभीर अवस्था में घायल महिला को ऑटो चालक ने अस्पताल में करवाया भर्ती। इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देश में लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। आज रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जारी रहेंगी पाबंदियां। दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू शुरू। अल्पसंख्यक आयोग के मेंबर और दर्जा प्राप्त मंत्री अफरोज खान ने जिला अस्पताल के कोविड सेंटर का लिया जायजा। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर डॉक्टर से समीक्षा की। जनपद में चल रही तैयारी के संबंध में भी जानकारी दी। नाइट कर्फ्यू के मद्देनजर पुलिस मेरठ में लोगों को कर रही है जागरूक। बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही पुलिस। <ण्णाग।
मेरठ में कोरोना के 4 नए केस मिलने के साथ ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा। ओमिक्रॉन पॉजिटिव शख्स के साथ सफर करने वाले मां बेटे हुए कोरोना संक्रमित। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर हो गई है 8। बदायूं में कुट्टी मशीन में फंसने से युवक की मौत हो गई। कुट्टी मशीन चलाते समय हादसा हुआ। वजीरगंज थाना क्षेत्र के बरीपुर गांव का मामला। श्रावस्ती के सुल्तानजोत गांव में 5 घर आग में जले। घरों में सो रहे लोग जान बचाते हुए दिखाई दे। घरों में रखा सारा सामान जलकर राख। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ललितपुर में चलती ओमनी कार में अचानक लगी आग। कार में सवार लोग जान बचाकर भागे। पास में स्थित निरंजन पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। फरुखाबाद में पैसेंजर ट्रेन की जनरल बोगी में आग लगने से मची अफरा तफरी। ट्रेन को हथियारपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास रोककर बुझाई गई आग। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। टल गया बड़ा हादसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। पीयूष जैन की आज अदालत में पेशी होनी है। कानपुर की अदालत में पेश होगा पीयूष जैन। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। पीयूष जैन की आज अदालत में पेशी होनी है। करीब 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है। पीयूष जैन की पेशी की जाएगी कोर्ट में। क्या कुछ होता है, कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, उस पर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल लगातार अभी भी पीयूष जैन के ठिकानों पर रेड जारी है, कार्रवाई जारी है। हर गुजरते दिन के साथ तमाम बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। जो पैसा मिला है उसके बारे में भी जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, पीयूष जैन की आज अदालत में पेशी होनी है। दोपहर 12 बजे का वक्त है जब कोर्ट लाया जाएगा पीयूष जैन। और चलिए एक बार फिर से देखते हैं ताबड़तोड़ खबरें। बिजनौर में पैसे के लेन देन को लेकर एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की धारदार हथियार से की हत्या। होटल में वारदात को अंजाम देकर फरार हुआ आरोपी। दिल्ली के रहने वाले शाहबाज की होटल से मिली लाश। कातिल की तलाश के लिए पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया। बलरामपुर में मामूली विवाद को लेकर हुई चाकूबाजी। एक युवक चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला चिकित्सालय में उसे भर्ती करवाया गया, वहां से हायर सेंटर किया गया रेफर। ग्राहकों को लेकर दोनों के बीच हुआ था विवाद। मथुरा पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। एक हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। भारी मात्रा में बने अधबने हथियार, हथियार बनाने के उपकरण और कारतूस बरामद। कानपुर के अधिवक्ता की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंकित यादव ने 4 लाख की शूटर को दी थी सुपारी। अंकित यादव सहित 2 शूटर गिरफ्तार। कानपुर की नौबस्ता में बच्चों के सामने पति ने की पत्नी की हत्या। अवैध संबंध के शक में पत्नी को उतारा मौत के घाट। 5 साल की मासूम बेटी ने पुलिस को बताई पूरी वारदात। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू की। कोटद्वार में थाना दिखड़ी खाल पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी का खुलासा किया। दिल्ली के काले गैंग के 3 शातिर चोरों को धर दबोचा गया। उनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद। उधम सिंह नगर जिले में सीएमओ कार्यालय को ठगों ने बनाया निशाना। ठग ने चेक की कॉपी बनाकर बैंक से 5,79,300 रुपए निकाले। सीएमओ ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। रुद्रपुर सीएमओ ऑफिस में 5 लाख की ठगी हुई। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। लखनऊ से बड़ी खबर है, कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी के निर्देश हैं और समस्याओं के समाधान में अनावश्यक देरी ना करें, ये मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। सीएम ने उच्च स्तरीय कमेटियों की सुस्ती का संज्ञान लिया और निर्देश भी दिया। वरिष्ठ पदाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटियां बनाई गई हैं और सेवा संगठनों की शिकायत पर कमेटियों ने नहीं की कार्यवाही, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लेते हुए सख्त निर्देश दिए कि अनावश्यक देरी करने की जरूरत नहीं है, काम में तेजी लाई जाए, सुस्ती से काम नहीं चलेगा। तो लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सीएम के निर्देश।
और चलिए एक बार फिर से खबरों पर लौटते हैं। देहरादून दौरे पर पहुंची आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधायक आतिशी मल्लिन ने सहस्त्रधारा रोड स्थित एक सरकारी स्कूल का किया निरीक्षण। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बातचीत कर जानी परेशानियां। सरकारी स्कूल के हालात देख धामी सरकार पर बोला हमला। औली में बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। बर्फबारी का मजा ले रहे पर्यटक। कड़ाके की ठंड से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित। इसके साथ बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी। मसूरी पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी परिवार के साथ मसूरी की वादियों का उठा रही हैं लुत्फ। पति राज कुंद्रा और बच्चों के साथ मसूरी के होटल जेडब्ल्यू मैरियट में ठहरी। करीब एक सप्ताह तक मसूरी में ही रहेंगे शिल्पा एंड फैमिली। औली में बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। बर्फबारी का मजा लेने के लिए देश विदेश से पर्यटक पहुंच रहे हैं। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही जबरदस्त बर्फबारी। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा में सीजन की दूसरी बर्फबारी शुरू हुई। बर्फबारी का मजा लेने आ रहे हैं सैलानी। पर्यटक स्थल फुल होने से होटल व्यवसायियों के चेहरे खिले। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें। कल लखनऊ में कांग्रेस की महिला मैराथन होने जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त इकाना स्टेडियम में होगी कांग्रेस की महिला मैराथन और पुलिस प्रशासन ने मैराथन को अनुमति दे दी है। पहले 26 दिसंबर को मैराथन होनी थी और 26 को पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, लेकिन अब इस कार्यक्रम को प्रशासन की अनुमति मिल चुकी है। पहले 26 दिसंबर को यह कार्यक्रम होना था, लेकिन उस वक्त इजाजत नहीं मिली। 26 को पुलिस प्रशासन की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब मैराथन को अनुमति मिल चुकी है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको दे रहे हैं। कांग्रेस की महिला मैराथन कल होने वाली है। इकाना स्टेडियम में कांग्रेस की महिला मैराथन होगी। इससे पहले 26 तारीख का यह कार्यक्रम था, लेकिन प्रशासन की अनुमति ना मिलने से कार्यक्रम नहीं हो सका, लेकिन अब अनुमति मिल चुकी है, जिसके बाद कल यानी कि 28 तारीख को लखनऊ में कांग्रेस की मैराथन होगी। इकाना स्टेडियम में यह कार्यक्रम रखा गया है। लगातार कांग्रेस की तरफ से मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और इससे पहले जया झांसी में ये महिला मैराथन का आयोजन किया गया था। वहां पर हमने देखा कल किस तरीके की तस्वीरें सामने आई। महिलाओं ने हंगामा कर दिया पुरस्कार को लेकर। अब कल लखनऊ में महिला मैराथन का आयोजन होगा। और चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में ताबड़तोड़ खबरें। अमेठी में दूषित पानी पीने से एक सप्ताह में एक ही मोहल्ले के दर्जनों लोग बीमार। सभी का अलग अलग प्राइवेट अस्पताल में चल रहा इलाज। दो दिन पहले इसी मोहल्ले के लोगों ने स्वच्छ पानी के लिए सांसद स्मृति ईरानी से की थी शिकायत। गोंडा में बजाज कुंद्रकी शुगर मिल में लगभग 212 करोड़ रुपए के गन्ना बकाया भुगतान को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान। मिल गेट पर लामबंद किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। नोएडा के कुछ इलाकों में हुई बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। नोएडा सेक्टर 18 में भी बारिश से बढ़ी कपकपी। अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग, घरों में रहने को मजबूर हुए। खटीमा की सुरई वन रेंज में बन रही जंगल सफारी और क्रोकोडाइल सफारी का वन विभाग के आला अधिकारियों ने निरीक्षण किया। फतेहपुर की धाता थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान लग्जरी कार से 10.5 किलो के करीब गांजा किया बरामद। मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से तमंचा कारतूस भी बरामद किया। पूछताछ जारी। सलमान खान को नवी मुंबई के पनवेल स्थित उनके फार्म हाउस पर शनिवार देर रात एक सांप ने काट दिया। इसके बाद सलमान को MGM हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां कुछ घंटे को ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद उन्हें रविवार सुबह 9 बजे डिस्चार्ज किया गया। दिशा ने अपनी आने वाली फिल्म योद्धा में अपने हिस्से की शूटिंग को खत्म कर लिया है। इसकी जानकारी उन्होंने एक वीडियो शेयर करके दी है, जिसमें वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ दिखाई दे रही है।